नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। असम पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरे पर वो इन राज्यों में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित एलपीजी आयात टर्मिनल और दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइप सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस टर्मिनल की वजह से न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उससे लगते उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा। इस टर्मिनल की क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन हर साल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर पर इस परियोजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कल शाम मैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहूंगा। वहां एक कार्यक्रम में बीपीसीएल द्वारा बनाए गए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को देश को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी देश को समर्पित करूंगा। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि हल्दिया रिफाइनरी के दूसरे यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके अलावा हल्दिया के रानीचक में नेशनल हाईवे 41 पर बने 4-लेन रोड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इधर पीएम मोदी के आगमन को लेकर यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ममता के इसमें शामिल होने की संभावना बहुत कम है। हल्दिया में सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के बाद पीएम यहां लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी ममता सरकार पर जमकर हमला भी बोल सकते हैं, क्योंकि शनिवार को राज्य में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार शाम नदिया जिले के नवदीप में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले यहां आयोजित रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल के 70 लाख किसानों ने सम्मान निधि योजना से वंचित रखा। अब ममता बनर्जी बंगाल में ये योजना लागू करने जा रही है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब बंगाल में परिवर्तन आएगा। यहां से टीएमसी का जाना और बीजेपी का आना तय है। भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर टोलाबाजी, तुष्टिकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको यह दृश्य दिख रहा है, ये मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान में हमने चलाया था। 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहभाग किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना। इससे पहले नड्डा के नेतृत्व में बंगाल बीजेपी ने रोड शो भी निकाला। जेपी नड्डा ने रैली में कहा कि यहां से शुरू होती है परिवर्तन यात्रा। ये केवल सरकार का नहीं बल्कि सोच का भी बदलाव है। ममता दीदी ने माटी मानुष की शपथ लेकर 10 साल पहले सरकार का गठन किया। 10 साल में मां को लूट लिया गया, माटी का अनादर किया गया और मानुष की रक्षा नहीं की गई।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।